Hi guys, it's time for Boosting Happiness. Ooh, wow, क्या स्नो हो रही है? पता नहीं कैमरा में आ रही है नहीं, but very lovely. स्नो पर हो रही है? ऐसे बनते हैं घर देख? घर बन रहे हैं new. I really like ऐसे जब सब white हो जाता है और snowy snow हो जाती है. गलत जगह जा रही थी मैडम, अभी आपके घर नहीं है ना, आपको आइडिया नहीं है. रिश्तों की भी रूप बदलते हैं, नई नई घरों में प्रवेश करते हैं. एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है, बनती कहानी नई, क्योंकि सास भी कभी बहू थी. मुझे सारों क्या आते हैं, प्रोमो नहीं करना है अब यहाँ पे. मुझे सारों क्या आते हैं, गाओ. घर तो दिखा दो लोगों को, गाना वाना बाद में हो जाएगा. ज्यादा हीरो बन रहा है. देखो आई 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 सोना सोन परी आई, एक तू बिक तू धिम पतूता. किसी के लिए लेटर आया हुआ भाई. हाँ, केमन जैक स्मिथ. ये कहीं गलती से ऐसा नहीं हो गया कि हम किसी के घर आ गए? पागल को उन्होंने ऐसे ही फील देने के लिए रखा है, डंडे लेके. पर एक्चुअली ऐसा लग रहा है ना किसी और के घर है. यस, अभी हाँ एक्चुअली हम अभी किसी और के घर पे. हमारा है ना. हमारा कैसे? क्योंकि ये है हमारा ड्रीम हाउस. ये अभी हमारे सपनों में बसा है. सो पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ दैट दिस इज नॉट अ हाउस. सैडली. सो वी थॉट, क्योंकि सब लोगों को देखना था कि यूके में घर कैसे होते हैं, तो हम आए हैं एक शो होम. ये रेड रो शो होम्स हैं, ये अभी यहाँ पे बिल्ड हो रहे हैं और बहुत फेमस हो गए बहुत जल्दी. जो ये वाला घर है ये हमारा ड्रीम हाउस है, इसलिए हम यहाँ लेके आए आपको. इसमें एक चीज की कमी है, वो क्या है अभिनव बाद में बताएगा, बट उसके अलावा एवरीथिंग इज पर्फेक्ट. तो फर्स्टली इसमें बे विंडोज नहीं है. बे विंडोज क्या होते हैं? फ्लैट विंडोज हैं. वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड एरिया होता है और ऐसे होता है. वो नहीं है, इसमें फ्लैट विंडोज हैं. बट फिर भी ये रूम इतना बड़ा है कि चलेगा, फ्लैट विंडोज भी चलेंगे. कौन सा हमारा घर है? सब चलेगा. सब चलेगा, बस दे दो. हाँ, ये सोफा काफी अच्छा सोफा है. हमारे सोफा जितना कम्फी नहीं है. दो आ जाएंगे, एक मैं यहाँ, इस तरफ मैं, उस तरफ तू, और हम दोनों रेसिंग करेंगे. किसी ने तो कॉमेंट किया था कि आप लोगों को अपना रेसिंग ब्लॉग बनाना चाहिए, तो मैंने सोचा कि अब क्या बनाए रेसिंग ब्लॉग. अच्छा थोड़ी लगेगा, सबको लग रहा है अभिनव इतना अच्छा रेसर है और सिमरिक बना रहा है, फिर मुझसे हार जाएगा. तो फिर मैंने सोचा नहीं, उसकी ईगो हट जाएगी. हाँ, बेचारा. ये फायरप्लेस के ऊपर मिरर. हमारे घर पे भी हमने डाइनिंग टेबल के ऊपर एक बड़ा सा मिरर लगाया है. यूके में लोग बहुत मिरर्स लगाते हैं घर में, क्योंकि उससे घर बड़े लगते हैं और बहुत सारी लाइट आती है. मेरे पापा ने एक दिन देखा था जब हम न्यू मूव कर रहे थे अपने घर में, और पापा बोलते बेटा शीशा क्यों लगाया घर में इतना बड़ा सा डाइनिंग टेबल के साइड में, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग शीशे का काम होता है ये. खुद को देखना. हमें भी ऐसे वॉलपेपर लगाना चाहिए. लगा सकते हैं, पर ये वाले वॉलपेपर बड़े रूम्स में अच्छे लगते हैं. एंड सेकेंडली, हम तो यहाँ पे अगर इसके बजाय तो हम वो लगाएंगे ना अपना टीवी और होम थिएटर. वो तो है. ये जो जिसने भी ये घर स्टेज किया है उसने थोड़ा हिट एंड मिस किया है. हिट एंड मिस, यस, क्योंकि वहाँ वो स्पेस वेस्ट हो गई. यहाँ पे छोटा स्टडी नहीं बन सकता यार. ऐसे स्टडी वडी सब घुसा दो ना, तो ऐसे लगते है की चलने की जगह नहीं है और बस. तो फिर वहाँ क्या आ सकता है? सोच, जब हमारा घर होगा ना तब सोचेंगे. नाइस. इतना फैंसी नॉट्स एंड क्रॉसेस कैसे? चल एक गेम खेलते हैं. मेरे पास एक ट्रिक है जिससे हमेशा मैं ही जीतती हूँ. या ड्रॉ होती है.
बट पहले ये ऐसे हो जाता था कि यार फिर से कैसे जीत गए। हॉलवे में वेरी नाइस हॉलवे। हमें भी अभी ना ये वाली हॉलवे जच रहा है। हॉलवे तुझे तो यही रहे है ना, मुझे लग रहा है ये घर ही मुझ पे बहुत सूट कर रहा है। रह ले तू छोड़। ये जो हॉलवे लाइट्स हैं हमें भी लेनी चाहिए। हमारी अभी सीलिंग लाइट के नाम पे एक बल्ब लटक रहा है। ये काफी सारे मैंने घर पे जब आया था शुरू शुरू में लगाए थे, थोड़े से अभी भी बचे हुए बिकॉज मेजर खर्चे हो गए थे तो फिर हमने पैसे खत्म हो गए। पीसी नहीं थी पीसी। और ये किसका, ये डॉगी हाउस है क्या? स्टोरेज का घर है। अगर अगर कभी टेररिस्ट अटैक हुआ तो मैं यहाँ ऐसे छुप जाऊँ। फिर जब खत्म हो जाएगा तो मैं देखूंगी गोलियों की आवाज बंद हो गई। बस इतना ग्रूसम क्यों कर रही है ब्लॉग को। मेरे पापा आर्मी में थे इसलिए मुझे ऐसे सपने बहुत आते थे बचपन से। एक्चुअली अगर ये डोर हटा दे उसको डेकोरेटिव कर दे तो बहुत अच्छा डॉग हाउस बन सकता है। एकदम एंट्रेंस पे डॉगी और उनकी प्राइवेसी भी रहेगी। वैसे यहाँ पे टूल्स जाएंगे नहीं। हर जगह टूल्स नहीं आ सकते हैं अभी ना। ये है WC। WC बताओ। वॉश इन क्लोज़ेट। अरे यार अभी भी नहीं पता। वाटर क्लोज़ेट। वाटर क्लोज़ेट। क्या बात है। वाह एक टॉयलेट है। WC है। ये एक्चुअली काफी डिसेंट साइज्ड है फॉर अ WC। हम आ गए हैं मेरी बहुत ही फेवरेट चीज में, ओपन किचन डाइनर। क्या बात है। और ये मेरा फेवरेट है। आई रियली वांट कि एक ओपन किचन प्लान हो हमारा। सो मुझे ओपन किचन डाइनर का बेस्ट पार्ट ये लगता है कि जैसे हमारा घर है, हमारा किचन सेपरेट है, तो उसमें क्या होता है जो भी बंदा कुकिंग कर रहा है जैसे कि मैं, वो थोड़ा सा सेक्रेटेड प्लेस में हो जाता है, अलग थोड़ा एक्सक्लूड हो जाता है। जब ओपन किचन डाइनर हो ऐसा, तब आप यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ वट एवर हैपनिंग इन द हाउस। तो टीवी भी देख सकते हो या यू नो डाइनिंग। तो फिर वहाँ पे अभी ना खड़े होके पराठे बना रहा होगा, ये यहाँ पे बैठ के टीवी देख रही होगी, तो हम बात कर पा रहे होंगे और यहाँ से बैठ के वो मुझे पूरी इंस्ट्रक्शंस दे सकती है कि अभी ना उसको दोनों साइड में अच्छे से फ्राई करना, अभी ना हार्ड मत करना, सॉफ्ट रखना पराठे। ये बहुत नाटक करता है ऐसे ब्लॉग। बहुत मेहनती हूँ। मेरी दुनिया मेरे साथ है। ओके ये फैमिली एरिया है। मुझे क्यों दिखा रहा है फैमिली एरिया? नहीं तू ही तो है मेरी फैमिली, तुझे ही तो दिखाऊंगा। तो यहाँ है फैमिली एरिया, मैं हट जाती हूँ तू दिखा दे। फैमिली एरिया है यहाँ पे। या ये लाइट्स कितनी अच्छी है, स्टूडियो लाइट्स अच्छी लगती है ना। हाँ सीलिंग में, इन सीलिंग। ऐसे मौसम में तो मन ही कर रहा है कुछ बनाओ, है ना, पराठे बनाने लग जाओगे। गार्डन देख कितना परफेक्ट साइज, कितना बहुत परफेक्ट है यार। यहाँ पे हमारा छोटू सा एक डॉगी होगा, वो खेल रहा होगा स्नो में, है ना, हम उसे देख रहे होंगे खाना बनाते हुए। सपने तो सपने होते। ये रहा इनबिल्ट डिशवॉशर। वेरी नाइस। ये तो हमारे घर में भी है। ये तो रेगुलर रेगुलर। ये है जो हमारे घर में नहीं है बट मुझे चाहिए, डबल ओपन। हाँ हमारे पास एक है, हमारे पास इन दोनों में से एक है। हाँ हमारे पास तो दोनों सेम है, डबल ड्यूअल ओवन है हमारे में, एक है। कितनी बार बोलेगा, सुन लिया सबने हमारे पास ओवन है। आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर। अगर ये मेरा घर होता तो मैं यहाँ माइक्रोवेव रख देती। ओ, ऐसे भी हो सकता। और फिर मैं वो कभी रीच नहीं कर पाती, फिर मैं बोलती अब ना निकाल दाल निकाल। ये है फ्रिज फ्रीजर। यहाँ पे ऐसे इनबिल्ट फ्रिज एंड फ्रीजर का बहुत रिवाज है क्योंकि दे लाइक इट कि ऐसे डिस्क्रीट अंदर हिडन हो और दिखे ना। ये रहा डॉगी ट्रीट्स हमारे डॉगी के लिए, डॉगी बॉल, और यहाँ पे लीशेस हमारे डॉगी का कॉलर। नाइस। और ये यूटिलिटी रूम है तो इसमें वॉशिंग मशीन, ड्रायर। उल्टा बोल रही है, ये ड्रायर है, वॉशिंग मशीन। ज़नुसी। अरे हाँ ये तो सेम हमारे घर पे है। दिस इज द सेम मशीन जो हमारे घर पे है, सेम ब्रांड एंड इन्होंने ऐसे ड्यूल रखा है। बॉयलर। ये रहा बॉयलर। और ये क्या है? नथिंग। लेट्स गो। और ये एक
ये रहा बॉयलर और ये रही हॉट पर्सनैलिटी। उफ ये डोरवे टू हेवन है फॉर अभिनव, बताओ क्यों? मेरा डोरवे टू हेवन क्यों नहीं? ये डोरवे टू हेवन क्यों है ये तो बता दे। अरे क्योंकि ये सीधा गैरेज में जाता है ना। मेरी दुनिया है, that's my world. अगर इस घर से मैं ये सब हटा दूं और सिर्फ एक ही डोर और यहाँ अभिनव को फॉरएवर रख दूं, बस ये रह लेगा। मैं खुश। और इसके टूल्स, कपड़े नहीं चाहिए, टूल्स चाहिए यहाँ पे। टूल्स यहाँ पे, टूल्स गैरेज में एक गाड़ी, उसमें अभिनव काम करता हुआ एंड अभिनव इज खुश फॉरएवर। मैं ऐसा करती हूँ फिर इंडिया ही चली जाती हूँ। नहीं फिर तू भी तो चाहिए ना मुझे। वो भी पूरा गैरेज, दैट्स द गैरेज। और अब बारी आती है गार्डन की। लुक्स नाइस यार, नाइस डिसेंट साइज। एंड आई थिंक वहाँ पीछे जो जाने ना वहाँ जगह, मे बी गैरेज से लिंक्ड होगी, मे बी। बट एनीवे यार, गैरेज इज वेरी डिसेंट साइज। गैरेज नहीं है यार, गैरेज नहीं है बाहर, मुझे सर्दी में भी काम करना पड़ता है। जो की बुरा नहीं, आई लाइक इट। बट वो ये ना, जैसे अब यहाँ बाहर स्नो हो रही है या कभी बारिश हो रही है या बहुत ठंड है, तो मैं मेरे को ऐसे बाहर वहाँ काम करना पड़ता है, करना होता ना, क्योंकि वो मेरी हॉबी है। क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, मुझे गैरेज में काम करना होता है, क्या करूँ यार। फिर से हॉलवे वाली लाइट्स ट्रेन के नीचे, इन्होंने लैंडिंग पे भी लगाया। कोई नहीं, हम भी लगाएंगे अपने घर में। चल यार, ये रूम में लाइटिंग बहुत है यार, नेचुरल विंडोज बहुत अच्छे हैं यार। विंडोज एकदम सही जगह पे भी दी है, उससे लाइट आ रही है। सही साइज, सही जगह एंड बहुत ही सही। तो फर्स्ट रूम जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये है अनुपा का ड्रीम रूम। ये मेरा नहीं, ये मेरा ड्रीम रूम नहीं है, ये मेरे बचपन का ड्रीम रूम है। क्योंकि जब मैं छोटी थी और मुझे कोई ऐसा रूम दे देता ना, यहाँ है एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स कम ड्रेसिंग टेबल। ओके, और ये रहा एक क्वीन साइज बेड, वेरी नाइस। और ये कितना प्रिटी है यार ये। मैं बता दूं, वैसे ये दुनिया की सबसे यूजलेस चीज होती है, क्योंकि ये बस ऐसे ही लग जाता है, इसको आप ओढ़ भी नहीं सकते क्योंकि कुछ खास बड़ी मजेदार फीलिंग नहीं आती। एंड यहाँ आता है प्रिंसेस का, प्रिंसेस व्यू जो आप देखें बाहर। उफ क्या बात है, सो नाइस। ये तो यार, ये तो व्यू ऑफ द मिलेनियम है भाई, सामने एकदम। हमारे घर के व्यू से ये व्यू कम्पीट ही नहीं कर सकता, हमारा बेस्ट व्यू है। हमने वो घर ही इसलिए लिया था क्योंकि वी वर सोल्ड ऑन द व्यू। सही में। और ये रूम के पिंक वॉल्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, अगर मैं छोटी होती तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता, पर बहुत बड़ी हो गई हूं। नहीं अभी भी तो कहां बड़ी हुई है, अपनी हाइट की बात। अब हम मेरा देखेंगे, चलो आओ। आई डोंट थिंक तेरा ड्रीम रूम है। ओहो, स्केल मॉडल कार्स जो मुझे छोटे से बहुत ज्यादा पसंद है, आई लव दीस। तो मेरा भी ऐसे रूम होता, कुछ छोटा सा क्यूट सा, मुझे ज्यादा जगह नहीं चाहिए, एक डेस्क होता यहाँ पे। मैं इसके बजाय ना एक ऐसे ना ग्लास शेल्फ लगा, उसमें बहुत सारी मॉडल कार्स रखता, जो मेरी ड्रीम कार्स होती है आगे खरीदने के लिए। एंड देख यहाँ से मेरा 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 ड्रीम रूम से जन्नत दिखेगी यहाँ से। क्या साइज है इस गैरेज का? सोल्ड है तो सोल्ड यार, ये बहुत सही है। बट ऑब्वियसली मुझे इससे भी बड़ा चाहिए, मुझे इससे भी, ये सिंगल गैरेज है, मुझे डबल चाहिए। मेरा ड्रीम जो है वो डबल है। बट वेरी गुड यार, बहुत सही साइज है। हाँ, जितनी चादर उतने पैर, उतने पैर। बट फिर हम चादर बड़ी कर देते ना। बस यही होता मेरा कमरा, एक बेड दे दो मेरे को, कपड़ों का तो वैसे भी अभिनव को कोई शौक नहीं है, इसी हुक पे जितने कपड़े आ जाएंगे वो अभिनव के लिए काफी है ना। सही है, टू बी ऑनेस्ट बहुत परफेक्ट है यहाँ पे ये। अच्छा यहाँ मैं ऐसे कर लेता, इस पे मैं एक अपना गेमिंग के लिए वहाँ पे यहाँ रिग बना देता, काम खत्म। ये तो छोटी सी रिग और मेरे एक एक रूम में मैं खुश, और बाहर मेरी जन्नत जो मुझे रोज दिखेगी मेरे विंडो से। अरे यार मजा ही आ गया। ओके, अब हम आ गए हैं गेस्ट बेड। हाँ ये गेस्ट बेड होगा ना। हाँ नाइस, वाओ यार मैं तो सोल्ड हूँ। यार क्या विंडोज है यार, ये विंडोज बहुत क्रेजी हैं, बहुत अच्छी विंडोज हैं, इतनी बड़ी विंडोज बट बहुत लवली है। ये भी बहुत अच्छा व्यू है यार, मस्त से कितना ऐसे पूरा तुम्हें 180 डिग्रीज। मुझे एक चीज अच्छी लग रही है, क्या कि मोस्ट शो होम्स क्या करते हैं, बेड एकदम छोटा सा सिंगल लगा देते हैं ताकि रूम बड़ा लगे, बट इन्होंने फेली डिसेंट साइज बेड्स लगाए हैं।
यार मुझे लग रहा है ये तो तेरा ही घर है। क्यों? ये देख। अरे वाह, क्यूट क्यूट, छोटे सो चूचूचू, छोटी सी जीबू, गुज गुज गुज। जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ, अभिनव को डॉग्स बहुत पसंद है। बहुत ज़्यादा। सो ये है फैमिली बात, काफी स्पेशियस है ये भी फॉर अ फैमिली बात। यस, और यहाँ पे भी आपको मिलता है विंडो, विंडो और एक पॉट है, ये वाटर पॉट, और एक है वॉश बेसिन, ये वाटर वॉश बेसिन, और एक है डबल डोर क्लोजेट, ये वाटर डबल डोर क्लोजेट, डबल रेडिएटर, और ये है अभिनव का रूम। टेन दे रहा है हाँ? जब मुझे बुलाया जाएगा फिर मैं बाहर आ जाऊंगा। तो पहले 1 to 10 काउंट कर अपनी, डेन दे, डेनर है अभिनव, मास्टर बेड फ्रेम। यहाँ पे चलन है ना, ये क्वेश्चंस हाँ, यहाँ ही नहीं बेब, ये हर जगह। सामने आपके है एक डबल डोर स्लाइडिंग वार्डरोब, यहाँ भी आपको मिलता है बहुत ही अच्छा व्यू, थोड़ी सी छोटी विंडो है। क्यों यहाँ क्यों छोटी दी है यार, मास्टर में तो बड़ी देनी चाहिए। सही बात, पता है इन्होंने ये यूज करना चाहिए था, ये वाला एरिया। आई थिंक वो स्ट्रक्चरल रीजंस के लिए हुआ, क्योंकि हर जगह इतनी बड़ी बड़ी नहीं दे सकते। देखा इतनी अमेजिंग वॉलपेपर है यहाँ, मुझे तो कुछ अमेजिंग लगा नहीं, ठीक है। इसका टेक्सचर देख, हम आपको दिखाएंगे। और तुमने बेंच तो दिखाया नहीं, ये ऐसी चीजें बता रही जिन पे मुझे जरा भी कोई बोले। इस पे आप आएंगे अपने ऑफिस से थक हार के, हाँ यार कुछ चाय वाय, चाय चाय, एक तो पहले क्लियर कर दे कि चाय तो पीता नहीं है, बकवास करते रहता है चाय वाय। मैं चाय भी नहीं पीता, कॉफी भी नहीं पीता। इतने लोगों ने मुझे डीएम किया, आप अभिनव को चाय नहीं दे सकती? अरे ये पीता नहीं है तो मैं क्या दूं? यार मैं चाय और कॉफी नहीं पीता, तुम्हें पता है मैं क्या पीता हूँ? तो यार एक बना दो यार मेरे लिए, एक पैग बना दो, एक पैग, और ये इतना अमेजिंग बेड। अगर ये शो होम का बेड टूटा ना, तेरी पीठ टूट जाए चलेगा, ये बेड नहीं टूटना चाहिए। सही में कहेंगे बेड तोड़ दे, अब घर खरीदना पड़ेगा। बट मैं जब इस पे कूदा ना यार, ये दिस बेड इज नॉट एज गुड एज इट सीम्स, भाई शॉक लग गया, अच्छा नहीं है ये, अच्छा नहीं है, स्प्रिंग्स लगे हुए इसमें। सो दिस इज द ऑल स्वीट बाथरूम, ये तो सेम साइज है यार जो हमारा है अभी। हाँ सेम ही है, सनलाइट आ गई, इंडिया में कितना सही है पता है, पूरी फ्लोर टू सीलिंग करके देते हैं टाइलिंग। इंडिया में ऐसा होता है कि जितने पैसे यहाँ के कारीगरों ने ये बाथरूम बनाने के लिए होंगे ना, हाँ। उतने में वहाँ इंडिया में शायद 2 कमरे बन जाए। वो तो है, यहाँ पे लेबर कॉस्ट हाई है ना। ये वॉल कितनी बड़ी लगी है ना इससे, अच्छा ओपन ओपन बनाया ना। हमने पूरा घर चेकआउट कर लिया है, सो बेसिकली ये जो हमारा ड्रीम हाउस था उससे कुछ चीजों में नीचे रह गया, थोड़ी थोड़े पॉइंट्स, पूरा ड्रीम हाउस नहीं, पूरा ड्रीम हाउस नहीं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जो, सिर्फ थोड़े थोड़े पॉइंट्स में नीचे रह गया। क्या क्या चीजों में तुम्हें कम लगा ये बता। मुझे जैसे ये ओपन डाइनिंग है इनका, तो इसमें अभी किचन, डाइनिंग टेबल और ये फैमिली एरिया है। मुझे चाहिए था किचन, किचन आइलैंड, डाइनिंग टेबल और फैमिली एरिया, तो इसमें किचन आइलैंड की जगह, अच्छा तेरे डबल गैरेज मेरा होती थी तो मेरी मेरी भी अपनी वो है ड्रीम हाउस गोल्स, तो उसके हिसाब से इसमें अभी किचन आइलैंड की कोई स्पेस नहीं है, तो मुझे ये चीज इतनी मजा नहीं आया अंदर से। एंड मेरा जो एक पॉइंट पे फॉल्टर करता है हाउस, एक वही था कि मुझे पर्सनली डबल गैरेज चाहिए। अरे भाई ऊपर वाले की मेरे ऊपर मेहर हो जाए तो भाई ट्रिपल गैरेज, तो मैं वेयर हाउस दे दो जिसमें मैं गाड़ियां रखूं। अभी हमारा एम्बिशन 2 गैरेज का है कि डबल गैरेज हो, क्योंकि ये सिंगल गैरेज था विच इज अ वेरी डिसेंट साइज में, अभी मैंने देखा मुझे लगा उसमें बहुत कुछ हो सकता है। बट इफ यू वांट टू आस्क मी कि अगर मुझे अब लाइफ टाइम किसी घर में रहना है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा यार उसमें डबल गैरेज हो, उसमें अपना बढ़िया एक गाड़ी, अपनी प्रोजेक्ट कार हो, एक अपनी 4-5 बाइक्स खड़ी कर दो काम करने के लिए, टूल्स रख दो, हाँ उसमें रैंप लगा दो अंदर और कार के अंदर से नीचे मस्त आराम से काम करो, उसको गैरेज को हीटेड कर दो, लाइट ऑन है, कैसे ड्रीम्स है, पूरी पूरी रात बैठ के उस पे काम करो। क्या है? शौक कहते हैं इसे, शौक, तुम्हें शौक है ना यहाँ पे किचन में ऐसा हो वैसा हो, एक किचन आइलैंड हो। मुझे इतना किचन का शौक है नहीं वैसे, पर मैं घर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि एक किचन आइलैंड होना चाहिए। यार मेरा तो घर पे वही है ना, डबल गैरेज होना चाहिए। एनीवे सो दिस इज हाउ इट इज, और एक और चीज नहीं है इसमें, वॉक इन वार्डरोब। ओ हाँ, ये आई थिंक वॉक इन वार्डरोब, लाइक आई थिंक वी कैन अमेरिकन
जो छोटा रूम था उसको बना देंगे ना पूरा, वो कर अपने रूम से बाहर निकल के दूसरे रूम में जाके कपड़े पहनेंगे। एक मिनट, इसी का आइडिया था, वीडियो कैसे कर रहे हैं, तेरा आइडिया था ये। लेकिन मैंने बाद में सोचा तो मुझे बहुत स्ट्रेंज कि नहा के आए टॉवल बांध के दूसरे कमरे में जा रहे कपड़े को कपड़े कर सकते हैं। नहीं ये तो बहुत बेकार आइडिया है, बट यार ये विंडोज बहुत अच्छे हैं, सो मच लाइट, लाइट बहुत है इस घर में, पर चलेगा, ये भी चलेगा, कोई देगा चला लेंगे, कोई देगा मना नहीं करेगा, कोई दे रहा है रेड्रो दे रहे हैं हमें, स्पॉन्सर कर रहे हैं घर, 7,000 सब्सक्राइबर्स को दिखा रही हूँ मेरे घर, मिल जाना चाहिए मुझे ये, बिल्कुल सही बात। सो यस, दिस इज 7,000 सब्सक्राइबर्स रहे नहीं, वो हमारी 1% या 0.5% व्यूअरशिप यूके वाली है। एंड अब हम जाएंगे क्योंकि मुझे पीनी है चाय थे। क्या पीनी है मतलब? चाय थे। कहाँ से? स्टारबक्स। क्यों? क्यों? हाँ? मेरा मन कर रहा है इसलिए। अरे तो कॉफी मशीन क्यों दिलाई है? क्या दिलाई है? कॉफी मशीन। क्या? कॉफी मशीन। ब्रेक करके बोलो। कॉफी? हाँ मशीन। मैंने क्या पीनी है? चाय टी लाटे। पर चाय टी कॉफी मशीन में भी बन जाती वो है, वो अच्छी वाली नहीं है, मजा नहीं आता। ये देखो नाटक, इतने में मैंने इसको दिलाई और इसको पीनी है वहीं से। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। चल।